नमस्कार डॉक्टर मनीष सीएमडी डॉक्टर सत्संगी क्लिनिक। फ्रेंड्स आज मैं लिवर के ऊपर बात करूंगा। आज की डेट में ये बहुत कॉमन सी बात है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन है, लिवर की बीमारियां, फैटी लिवर डिजीज। फ्रेंड्स फैट लिवर ये दोनों वर्ड्स आपको आने चाहिए। लिवर एक सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का। लिवर एक पाचन तंत्र का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इतना आपको जानना इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैटी, फैट आप जानते हैं, चिकनाई। तो जब लिवर में चिकनाई काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उस बीमारी को एनाटॉमिकली मेडिकल साइंस में एक टर्म दिया गया है, फैटी लिवर डिजीज। जो बेसिक कॉजेस होते हैं फैटी लिवर डिजीज के, उनमें सबसे मुख्य कॉज तो ओबेसिटी हो गया। नंबर टू लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब आपके बैठने खाने पीने आचार व्यवहार से निकले हुए बीमारियां। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला है कि स्पिरिचुअलिटी और देने की हैबिट्स और थॉट प्रोसेस में बदलाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री जेनेटिक्स। कभी कभी हमारे बॉडी की जेनेटिक्स और हमने जो जो इनहेरिट किया अपने परिवार में और ऐसी ऐसे लाइफ स्टाइल के माहौल मिलते हैं तो ये बीमारी एग्जिबिट होती है। नंबर फोर बहुत ही कॉमन है, मैंने जैसा आपको बताया था, एक्सेसिव ड्रग इनटेक। आप बहुत ड्रग्स खाते हैं, बहुत सारे ड्रग खा रहे हैं और स्पेशली ओरल कंट्रासेप्टिव्स या IVF की ड्रग्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेराइड्स, ये बहुत ही मुख्य रीजंस पाए गए हैं। और चौथा, अगर आपने, लोग आजकल बहुत मोटे होते हैं, उन झटके से अपना वेट कम करते हैं, स्पेशली कभी कभी वो कम खाकर अपने वेट को कम करते हैं। इन कंडीशंस में अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहे हैं लगातार तो आपको फैटी लिवर डिजीज भी होती है और आपका लिवर फंक्शंस भी हाई एंड हो जाता है। और अगर ये डिस्टर्ब और किसी कारणवश ड्रग्स का भी इंटेक हो तो डेफिनेटली यू सफर फ्रॉम अ डिजीज फॉर फैटी लिवर डिजीज और फिर ये एडवांस की तरफ जाता है। फ्रेंड्स सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज। नंबर वन फटीग, वीकनेस इन योर मसल्स। नंबर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, आपको मांसपेशियों में कमजोरी और थकावट होगी, आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा, लिवर बड़ा हो जाएगा, आंखें येलो हो सकती हैं अगर ये बीमारी काफी दिनों से और आगे चल रही हो तो। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट की जो एपिटाइट है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, पुअर एपिटाइट हो जाती है। और बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है पेशेंट्स का कि उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता, पेट में भरा भरा महसूस होता, थोड़ा भी खाते हैं तो उनको लगता है पेट भरा हुआ है, काफी गैस बनती है, बाहर का खाना नहीं खा पाते हैं धीरे धीरे करके वो, और फैटलेंट डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं, काफी गैस बनना, ये भी उनकी एक आम सी दिक्कत है। सो फ्रेंड्स ये बेसिक सिम्टम्स हैं जो कि इस बीमारी में आपको दिखेंगे। टेक अवे पॉइंट्स इन दिस होल ट्यूटोरियल इज, नंबर वन यू रिक्वायर टू रिड्यूस योर वेस्ट लाइन, आपको अपने वेस्ट लाइन को कम करना चाहिए अगर आप फैटी लिवर से निचोड़ी निजात चाहते हैं। इसको कम करने के लिए पास्ता, जंक फूड्स, रिफाइंड शुगर्स, इन सब की कमी की जा सकती है। नंबर टू ओबेसिटी, वेस्टलाइन कम और पूरी बॉडी की ओबेसिटी ये भी कम होनी चाहिए, चाहे आप डाइट से करें या एक्सरसाइज से करें। बहुत ही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, खूब ही एक्टिव लाइफ रखनी चाहिए, कम से कम बैठने वाली स्थितियों में आपको यूज करना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट है, आपको अपनी एलोपैथिक ड्रग्स को एक्सेसिवली खाने की हैबिट कम करनी होगी। डॉक्टर इज नॉट अ पैनेशिया, एज आई स्पोकन टू यू, डोंट टेक पिल्स फॉर एवरी इल, बिकॉज देर इज अ इल आफ्टर एवरी पिल बट देर इज नो पिल फॉर एवरी इल। आपको इमरजेंसीज हो या ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप आयुष पद्धति को ट्राई कर चुके हो और आप ठीक नहीं हो पा रहे, देन यू गो अहेड विद टेकिंग द एलोपैथिक मेडिसिंस, एक्सेप्ट इमरजेंसीज। इमरजेंसीज है डेफिनेटली दे आर द राइट मेडिसिंस। नंबर थ्री कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिकेशंस का जो आपको लेना चाहिए, ये भी थर्ड टेक अवे पॉइंट से। ये कॉम्बिनेशन तीन लेवल्स पे मैं देखता हूं, एक तो बायोकेमिक सॉल्ट्स, नंबर टू मदर टिंचर्स या प्लांट के एक्सट्रैक्ट 1/10 डल्यूशन में, और तीसरी जो शुद्ध होम्योपैथिक डल्यूशंस होते हैं। शुद्ध होम्योपैथिक डल्यूशंस में 30 पोटेंसीज और 200 पोटेंसीज दोनों को ही मैं रिकमेंड करता हूं। आर्सेनिक एल्बम, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, आयरिस वर्सिकॉलर, लैकोपोडियम, एलो, ये कुछ मुख्य दवाएं जिस पे वर्क करती है, नक्स फॉर्मिका एट टाइम्स। नंबर टू बायोकेमिक सॉल्ट्स में नेट्रमफॉस, कालीम्यूर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन परफेक्टली बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। अगर ये वर्क नहीं करते हैं तो नेट्रमम्यूर, कालीम्यूर, नेट्रमफॉस और सिलिशिया, अगर ये चारों मिलके भी वर्क नहीं करते हैं देन यू हैव टू एड सिलिशिया 6x ऑल्सो। सो ये बायोकेमिक सॉल्ट्स आप पे वर्क करते हैं। कुछ तीन मदर टिंचर्स बहुत ही यूजफुल हैं, वन इज कॉल्ड च्यूनांथस, नंबर टू इज कॉल्ड कार्डिस मेरिनास,
एंड थर्ड इज कॉल्ड चेलिडोनियम। ये तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे ये बहुत ही इफेक्टिव पाए गए। तो फ्रेंड्स, बायोकेमिक ड्रग्स आपकी डाइट में चेंजेस, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट में को सिंप्लीफाई करना, जो आप एलोपैथिक ड्रग्स पे चल रहे हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये सभी होम्योपैथी थेरापेटिक्स में आता है। इसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स, जिसके लिए डॉक्टर ससंगी इसमें हम अग्रणी हैं। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको कंप्लीट पूरी तरीके से मॉनिटर करके आपकी मेडिकल डिपेंडेंसी, जो बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स पे है जिनकी आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आप 10 साल से ले रहे हो अभी भी वहीं पे हो, तो उनमें क्या सही है क्या गलत है उसका हम आपको अच्छा रेफरल देते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक ग्राउंड्स पे देते हैं, और उसमें से क्या चीज ठीक की जा सकती है, उसमें होम्योपैथिक मेडिकेशन पे आपको हम स्विच ऑन करते हैं, क्या डाइट से हो सकती है, क्या योगा से ठीक की जा सकती है, कहाँ पे आप आयुर्वेदा की हेल्प ले सकते हैं, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आपको पूरी तरीके से इसमें गाइड करते हैं और आप एक्चुअली में इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज अ डिजीज विच इज प्रोड्यूस बाय एडिक्शंस। अल्कोहल बंद कर दीजिए, ये बीमारी कम हो जाएगी, लेकिन एडवांस हो चुकी है तो आपको डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा, और एडवांस हो गई है तो आपको फिर इंटेंसिव केयर का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी नॉन फैटी अल्कोहलिक लिवर डिजीज, दैट मीन्स नॉन फैटी, आपने कोई अल्कोहल कंजम्पशन नहीं किया और ये प्रोड्यूस हुई है, तो इसके पीछे ज्यादातर मेडिकल साइंस की मेडिसिन होती है, तो किस तरीके से इन मेडिसिन को कम किया जा सकता है। दूसरा, आपकी अपनी डाइट होती है। तीसरा, आपकी सेडेंटरी हैबिट्स होती है, आपका पेट निकल रहा है, ओबीस है। मेटाबॉलिक डिजीज का होना, दैट मींस ब्लड प्रेशर का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बड़ा हुआ, बहुत तेल खाते हैं आप, और इसके अलावा आपकी जो दिनचर्या बहुत ही बैलेंस नहीं है, तो ऐसे मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ जाता हुआ व्यक्ति को आसानी से फैटी लिवर डिजीज भी देखी जाती है। तो आप अगर बहुत ड्रग्स नहीं खाते हैं, अच्छी योगा फॉलो करते हैं, स्पेशलिटी आपकी लाइफ में लोगों को देना पसंद करते हैं, आप अपने कार्मिक साइकिल में नंबर वन बिजनेसमैन है, नंबर वन मैनेजर है, नंबर वन ब्यूरोक्रेट है, नंबर वन पर्सन है, नंबर वन हाउसवाइफ है, दैट इज नथिंग टू डू विथ योर फैटी लिवर डिजीज। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से अपने को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत बैलेंस नहीं है, आप हर चीज के लिए पॉपिंग पिल्स और ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं, तो डेफिनेटली आप फैटी लिवर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। आपको इन पे कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। हम अपनी माइंड बॉडी हीलिंग और नॉर्मल काउंसलिंग में भी आपको हेल्प करेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, बाकी चीजें मैं नहीं बोल सकता हूं, आप इसको सकारात्मक तरीके से यूज करिए, जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है, और मुझे आखिरी तक सुनने के लिए धन्यवाद। और आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूं। आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें। आई विल कम बैक। थैंक यू।